एक वक्त था कि सब्जी सस्ती होती थी और दालें महंगी। लोग दालें खाना कम पसंद करते थे, लेकिन आज सब्जियां ज्यादा महंगी है और दालें सस्ती। 120 रुपए प्रति किलो बिकने वाली राजमा की दाल आज 60 से 65 रुपए किलो बिक रही है, जबकि कड़वा करेला 73 रुपए किलो। तो जाहिर है कि लोग सस्ती चीजें खाना पसंद करेंगे। पहले सब्जी विक्रेता से दाम सुनते हैं। टमाटर 40 रुपए किलो, भिंडी 75-80 रुपए तक बिक रही है, घिया 30 रुपए किलो, मटर 30-40, बैंगन 40, करेला 80 रुपए किलो, मटर मशरूम 30-40, गोभी 25-20, बंद गोभी 15-10, लौकी 30, और मूली क्या रेट चल रहा है? मूली 15, अदरक 80 रुपए। पहले क्या रेट चल रहे थे इन सब्जी के? रेट चल रहा है, 2-3 दिन पहले 10 रुपए किलो गोभी होती थी, वो अब तो 2 हफ्ते पहले नहीं, मतलब 10-15-20 दिन पहले थी। बारिश की वजह से मैडम माल खत्म, मतलब वजह से खराब हो गया ना, फसल खराब हो गई है और रात दिन बारिश लग रही है, तो इसमें से तो एक्चुअली मतलब महंगाई तो पड़ेगी इसके। फिर प्याज के रेट चल रहा है? प्याज 25 रुपए किलो। तो सुना आपने सब्जी किस कदर भाव खा रही है। भाई भाव खाना भी बनता है, महंगाई आज आसमान को छू रही है तो सब्जी फिर भाव क्यों ना खाए। सब्जी विक्रेता खुद मान रहे हैं कि सब्जियां महंगी हो गई है। उधर इन दामों से विक्रेताओं पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई के जमाने में लोग मार्केट आने से भी डर रहे हैं। बहुत असर पड़ता है कभी, जैसे जिसकी पैदावार करके प्रोसेस किलो की वाद लेगा, हमारी भी पैदावार मतलब खीद ज़्यादा होती है, इसमें हमें महंगी पड़ती है, आगे हमें उसे उस हिसाब से करना पड़ता है, तो हमें भी इसमें लॉस ही होता है। महंगाई गवर्नमेंट का इसमें कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि सारा मौसम पर डिपेंड है, उसमें तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, ना मोदी कर सकता है, भी कर सकता है, क्योंकि बारिश तो इंद्र देवता देगा, और वहाँ पर अगर मौसम सारा मेन मौसम चलेगा, गवर्नमेंट कोई कंसर्न नहीं इसमें। गवर्नमेंट का आपका आलू प्याज का हो सकता है, सिर्फ स्टॉक कर सकता है, सब्जी क्या स्टॉक करेंगे। उधर अगर हम बात करें दालों की, तो दालों के दाम सामान्य चल रहे हैं, हालांकि कुछ दालों में उछाल भी आया है, कुछ दालों में डाउनफॉल भी हुआ है। जैसे 120 रुपए में बिकने वाली अच्छी राजमा की दाल अब महज 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रही है। नहीं तो मतलब ऐसा है कि जो बेसिक रेट चल रहे हैं नॉर्मली चल रहे हैं, अभी कुछ में अप्स हैं कुछ डाउन में है। हाँ जी, राजमा तो पहले से काफ़ी डाउन आ गया है, अब 65 में है जो बढ़िया वाला होता था, पहले यही 120 तक था। हाँ जी, और दूसरे एक 55 की रेंज पे भी है। हाँ जी, और मसूर वगैरह की दालें, मसूर भी अब नई फसल आई है जैसे, तो डाउनवर्ड ही है थोड़ा। उड़द की दाल काफ़ी तेज़ हो गई है पहले से, ये 82-85 तक पहुंच गया है, तो हर चीज़ में बढ़ती जा रही है जैसे देखे ना। हाँ जी, बाकी अदरवाइज ऐसा है कि कई चीज़ें उतर रही हैं रेट्स, कहीं के अब जा रहे हैं। हाँ जी, उधर अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों का साफ कहना है कि आज सब्जी से अच्छी दाल खाना सही है, जबकि कुछ लोग महंगाई के लिए सरकार पर शिकंजा कस रहे हैं। हम बिल्कुल आसानी है, इससे तो दाल अच्छी है, सब्जी कोई 20-25-30 से कम तो कोई सब्जी नहीं है, मार्केट में 40 रुपए किलो तो टमाटर है। देखिए आज के जो टाइम है वो महंगाई जो है काफ़ी उच्च स्तर पर है, अभी जो सरकार आई है, चाहे सरकार कोई भी हो, वो महंगाई कम करने के दावा करने के तौर पर जब इलेक्शन में टाइम होता है तो बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो सत्ता पे आते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी जब बोलते हैं कि अभी मोदी सरकार बोल रही थी कि जो आम लोगों को जो है वो राहत देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं दे पाए हैं। आज महंगाई ने एक बार फिर से जनता को परेशान कर दिया है, लोगों के मुँह से निवाला छिन रहा है, सब्जी लोगों को डरा रही है और दाल को खरीदने के लिए भी गरीबों को कई बार सोचना होगा, क्योंकि दालों में भी उछाल आता ही रहता है, ऐसे में जनता को दाल से ही गुजारा करना पड़ेगा। के चैनल के लिए विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज महंगाई ने किस कदर लोगों की कमर तोड़कर रख ली है। 1000 रुपए महीना कमाने वाला क्या सब्जी खाएगा, दाल भी अगर खाना चाहेगा तो वह भी महंगी ही होती जा रही है। 50 रुपए बिकने वाली उड़द की दाल इतना ज्यादा उछाल आया है कि आज यही उड़द की दाल 82 से 85 रुपए प्रति किलो बिक रही है।
तो देखा आपने आज क्या हाल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यूपी सरकार के समय से तो अभी महंगाई कम ही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या मोदी सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित होगी या फिर जनता को राहत मिलेगी, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। इतना ज़रूर है कि आज जनता परेशान है। बहरहाल विशेष में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए के चैनल।